ये फर्स्ट गेट है और अभी बंद है। मैं पीछे वाला गेट से अंदर गया था, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। हेलो गायस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं दीनदयाल गार्डन आया हूँ और ये व्यापार बिहार में पड़ता है। तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ का ब्लॉग दिखला रहा हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ यहाँ पूरा दीनदयाल गार्डन का सैर कराऊँगा आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। ये देखिए अंदर का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। राइट साइड पूरा पेड़ लगा दिए हैं और इधर देखिए ये टिकट काउंटर है और ये फर्स्ट गेट का है। और मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखला रहा हूँ, तो चलिए बने रहिए और देखते जाइए। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और ये गार्डन व्यापार विहार से अंदर घुसना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा सैर करा रहा हूँ और देखते जाइए, यहाँ बहुत अच्छा जगह है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और ये देखिए दीनदयाल जी का स्टैचू लगा हुआ है और मैं आप लोगों को इधर साइड का भी दिखला रहा हूँ। ये देखिए दीनदयाल जी का स्टैचू लगा हुआ है यहाँ और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और चलिए मैं आप लोगों को इधर का नज़ारा दिखला रहा हूँ। और इधर का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा है, तो और खूबसूरत दिखता है। और देखिए इधर का नज़ारा पूरा हरा भरा सभी तरफ दिख रहा है और छोटा छोटा पेड़ पूरा लगा दिए हैं, तो पूरा हरा भरा और दिखता है। और ये देखिए इधर पूरा ऐसे घूम के मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। और इधर बैठने के लिए बनाए हुए हैं और इधर अमर बिलासपुर लिखाया हुआ है। और ये देखिए ये सब बैठने के लिए हैं। और इधर देखिए और इधर एक्सरसाइज करने के लिए बनाया गया है। ये देखिए आप आओगे तो करके भी देखना एक्सरसाइज यहाँ। ये देखिए पूरा एक्सरसाइज करने के लिए बनाया गया है और पूरा हरा भरा दिख रहा है इधर भी। तो चलिए और मैं आप लोगों को उधर दिखला रहा हूँ विस्तार से। ये देखिए पूरा बहुत सारा बनाए हुए हैं और उधर बच्चों के लिए भी बनाया गया है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। और यहाँ चारों तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली छाया हुआ है। ये देखिए पूरा बड़ों के लिए है पूरा, और उधर छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, उसको मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बच्चों के लिए भी बनाया गया है उसको भी दिखला रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और इधर देखिए इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इधर जाओगे तो इधर वॉशरूम भी बनाया गया है इधर। और इधर का नज़ारा देखिए पूरा हरा भरा चारों तरफ एक पीछे का है। और इधर देखिए कैंटीन वगैरह सब बना हुआ है यहाँ। और इधर देखिए पूरा चारों तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इधर से दिखला रहा हूँ और बच्चों के लिए इधर बनाया गया है उसको। तो देखिए इधर पूरा बच्चों के लिए बनाया गया है इधर, और ये बैठने के लिए बनाया गया है इसको। और इधर देखिए पूरा हरा भरा ही दिख रहा है चारों तरफ, और ये बच्चों के लिए बनाया गया है। मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखला रहा हूँ। ये देखिए ये बच्चों के लिए है और इधर बैठने के लिए है, बड़ों छोटा सभी बैठ सकते हो। और इधर एक प्रो कैंटीन बना हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को और आगे दिखला रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और इधर का नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए
इधर भी कैंटीन बना हुआ है, गार्डन कैप लिखाया हुआ है, और इधर छोटे बड़ों दोनों के लिए है, इसमें झूल सकते हो आप, और इधर भी है छोटा बड़ा दोनों के लिए है। और इधर देखिए पूरा चारों तरफ झूला बना दिए हैं, और ये पीछे वाला गेट है, इसी में से मैं अंदर आ जाता है, और इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ इसे। तो ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखाया हुआ है, और इधर का नज़ारा दिखला दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।